हेलो एवरीवन, और आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका हमने नाम रखा है सिलेक्शन एक्सप्रेस। अभी वर्तमान समय में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसे हिस्ट्री से आते हैं, पॉलिटिक्स से, ज्योग्राफी से, एनवायरनमेंट से, साइंस से, खास करके आजकल बॉटनी वाला सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10 सब्जेक्ट से 10 प्रश्न लेंगे। अब प्रश्न को डील करने के दौरान मान के चलिए कम से कम 6 से 8 इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास किया जाएगा। तो 10 प्रश्न है तो मान के चलिए कम से कम 60 से 80 क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब प्लस क्या है कि सब्जेक्ट को जो यहाँ पर डील करेंगे और क्वेश्चन को जो डील करेंगे, तो क्वेश्चन को डील करने के दौरान से भी जो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होगा उसको भी आपसे डील किया जाएगा, बताया जाएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे मान के चलिए कि प्रत्येक लेसन में कम से कम 80 से लेकर के 100 क्वेश्चन के आसपास डील आपका हो जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और हो सकता है कि लेसन आपको 30 मिनट के आसपास हो जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए, तो आपको पेशेंस बना के देखना है। इस सीरीज को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ये मान करके आपको चलिए। ठीक तरह के लेसन देखने के लिए क्या चाहिए कि आपको थोड़ा सा हिम्मत चाहिए और थोड़ा सा क्या है कि आपको पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि होता है कि आगे जल्दी 1-2 क्वेश्चन बताइए, डील कीजिए, आगे बढ़ जाइए, उससे मज़ा नहीं आता है। और मैं चाहता हूँ कि अगर एक बच्चा भी लास्ट तक देखे ना तो उस लेसन से बहुत कुछ सीख करके जाएगा। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम बच्चा क्या होते हैं कि पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ एक क्वेश्चन बनाए, भारत रत्न जाने, दिल्ली आगे बढ़ गए, तो इस तरह से एग्जामिनेशन नहीं निकलता है दोस्त, पैटर्न चेंज कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा इस सीरीज के दौरान कि कैसे कैसे क्वेश्चन कोई टॉपिक से आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही क्या है कि इससे आप तैयारी का अपना लेवल भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपना जरूर स्कोर बताइएगा। चलिए, अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो इस स्लाइड को पढ़ के मेरे बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 11 है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर 11 लिख लेते हैं। फिर बोलता है प्रोटॉन की संख्या कितना है? 11 है, तो प्रोटॉन बराबर भी हम यहाँ पर 11 लिख लेते हैं। फिर बोलता है न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 12 है, तो न्यूट्रॉन बराबर 12 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बोलता है तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी प्लस एन। क्या होता है? पी या प्लस एन, मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कितना है? 11 हो गया, और प्लस न्यूट्रॉन कितना है? 12। तो दोनों को जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को उसमें नहीं जोड़ा जाता है, तो आप याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकता है उसको मैं देने का प्रयास करूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो क्वेश्चन आ सकता है कि परमाणु का आकार कैसा होता है। तो परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, स्फेरिकल क्या होता है? शेप में होता है। परमाणु के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या होता है? एक नाभिक होता है। देखिए परमाणु ऐसे भी क्या होता है? तत्व का सबसे छोटा रूप होता है, तो बहुत छोटा होगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन समझने के लिए मानते हैं कि इस तरह का आकार होगा, स्फेरिकल शेप में होगा। और उसके अंदर क्या होता है? नाभिक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि चारों तरफ यहाँ पर स्फेरिकल कक्षा में क्या करता है, गोलाकार कक्षा में क्या करता है, इसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बोला जाता है न्यूक्लियॉन। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन बोला जाता है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं, जो न्यूट्रॉन अंदर है, एन से न्यूट्रॉन, एन से कोई चार्ज नहीं, मतलब ये न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, चलिए अब परमाणु क्या होता है? वित्त उदासीन होता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है परमाणु वित्त उदासीन क्यों होते हैं? तो देखिए, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर क्या? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर क्या? निगेटिव चार्ज। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है? 11, तो प्लस 11 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? -11। कट कितना हो जाएगा? 0। तो इस कारण से परमाणु क्या होता है? वित्त उदासीन होता है। प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में सबसे भारी कौन होता है? तो न्यूट्रॉन, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो क्या होता है? सबसे भारी होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का होता है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि अगर आपसे पूछे कि परमाणु का द्रव्यमान संख्या निकालिए, तो द्रव्यमान का मतलब क्या? मान लीजिए एक बोड़ा है, तो बोड़ा में मान लीजिए आलू प्याज लहसुन रखा हुआ है, तो सबको जोड़ेंगे वही ना उसका भार हो जाएगा। तो सेम तरह से यहाँ पर भी निकालेंगे। अगर पूछेगा परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान के बराबर ए बराबर होता है
प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या प्लस क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, ये होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के तुलना में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए शादी ब्याह होता है, देखते हैं कि मान लीजिए 20 लाख तिलक में क्या हुआ, शादी ठीक हुआ दहेज के रूप में, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि लास्ट में लड़की वाला 10,000 नहीं रहता है, तो मतलब 10,000 नहीं है, तो गार्जियन जो लड़का वाला होता है खरखाई से क्या बोलता है, क्या 10,000 छोड़ा ना कोई दिक्कत ना है। मतलब क्या कि 20 लाख के तुलना में 10,000 का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ भी सेम चीज़ है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन का भार बहुत ही कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंट करते हैं। तो परमाणु भार वर्ग क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोले, न्यूक्लियॉन की संख्या। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो न्यूक्लियॉन की संख्या भी होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किससे जैन धर्म की दीक्षा लिया था, जैन धर्म की दीक्षा लिया था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उपगुप्त के बारे में, उपगुप्त के बारे में पहले बात करते हैं। तो उपगुप्त क्या थे, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनसे अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, तो उपगुप्त से। वहीं हरिदास की बात करते हैं, तो आपने तानसेन का नाम सुना होगा जो अकबर के दरबार में एक नवरत्न थे, एक संगीतज्ञ थे। तो हरिदास भी संगीतज्ञ थे, तानसेन भी संगीतज्ञ थे। माना यह जाता है कि हरिदास तानसेन के क्या थे, गुरु थे। तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भद्रबाहु के बारे में बात करेंगे, ठीक। पहले मेगास्थनीज की बात करते हैं। मेगास्थनीज क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, सेल्यूकस निकेटर क्या थे, राजू थे। आगे के स्लाइड में और इसको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, तो क्या थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। इसी मौर्य वंश में बाद में कौन जन्म, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए, बिंदुसार आए। एक बिंबिसार अलग है, बिंबिसार का संबंध हर एक वंश से, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बिंबिसार का संबंध किससे, हर एक वंश से, ठीक है। अब बिंदुसार किससे है, तो आपका मौर्य वंश से। और उसके बाद फिर कौन आते हैं, अशोक आते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 345 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 300, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखाई दे, 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनका गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे, जिनके विष्णुगुप्त बोला जाता है, कौटिल्य बोला जाता है, ठीक है। उन्हीं के मदद से मगध के राजगद्दी पर बैठे थे 322 ईस्वी पूर्व, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और किसको हरा करके, घनानंद, जिसको धनानंद भी बोलते हैं, इसको हरा करके बैठे थे। ये नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। चलिए और चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु कब हुआ था, तो 298 ईस्वी पूर्व हुआ था। तीन क्वेश्चन ऐसे, 345 में पूर्व जन्म हुआ, 322 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठे, और 298 ईस्वी पूर्व इनका क्या हुआ, मृत्यु हो गया, ठीक है। उससे पहले और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो चाणक्य थे या विष्णुगुप्त थे या कौटिल्य, ये कौन सा पुस्तक लिखे थे, तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे। और अर्थशास्त्र का संबंध किससे, तो राजनीति या प्रशासन से। ऑप्शन में हमेशा रहेगा अर्थव्यवस्था से, तो अर्थव्यवस्था से का संबंध नहीं था, किससे संबंध था, राजनीति या प्रशासन से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय कहाँ बिताया था, तो अपने जीवन का अंतिम समय सरवन बेल गोला बोला जाता है, जो कर्नाटका में है, वहीं पर इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था। हुआ क्या था कि पहले तो ये हिंदू थे, उसके बाद क्या हुआ कि भद्रबाहु से जैन धर्म के दीक्षा लिए और उनके साथ ही कहाँ चले गए, तो वहाँ पर आपका सरवन बेल गोला कर्नाटक में चले गए और वहीं पर रहे और संत के भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और लास्ट में उपवास द्वारा अपना क्या किए, जीवन को त्याग दिए। देखिए जैन धर्म में क्या होता है, एक संलेखना विधि बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि भोजन पानी मनुष्य त्याग देता है और उसके जरिए क्या करता है, मृत्यु को अंगीकार करता है, उसी को संलेखना विधि बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो चंद्रगुप्त किस धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को। और आगे समझिए, चंद्रगुप्त क्या था, बहुत ही महान राजा साबित हुआ। अभी क्या था कि सेल्यूकस निकेटर जो है भारत पर आक्रमण कर रहा था, ठीक है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य को हराकर भारत में अपना प्रभाव जमाना चाहता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको क्या किया, 305 ईस्वी पूर्व में हरा दिया, ठीक है। और इस युद्ध का वर्णन एक विद्वान थे जिनका नाम था एपिनियास, ठीक है ना, एपियानस, उसने वर्णन किया था। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया और सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया, हार गया, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी जिसका नाम था कार्नेलिया, ठीक है ना, कार्नेलिया, उस सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, उससे विवाह चंद्रगुप्त मौर्य को कर दिया, ठीक है। चलिए और बाद में क्या हुआ कि इसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहने आया था, ठीक है, मतलब उसका राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो ये मेगास्थनीज आया था, मेगास्थनीज से एक क्वेश्चन पूछा था, मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका, क्या नाम था, इंडिका। और इंडिका क्या है कि पाटलिपुत्रा के प्रशासन के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है।
आपका और सार से भी कुछ जानकारी मिलता है, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स कौन है? इंडिका, जिससे पाटलिपुत्रा के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। तो इतना क्वेश्चन आपको चाणक्य से आ सकता था, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य से आ सकता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कन्फ्यूज मत होइएगा, एक चंद्रगुप्त गुप्त वंश से संबंधित है, तो उसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? ठीक है, रेड इंडियन, बद्दू, फैला, एबोरिजिन्स। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोरिजिन्स ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेड इंडियन कहाँ के निवासी को कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। और बद्दू, बद्दू या बुद्दू क्या होता है कि अरब के जो जनजाति होता है उसको बद्दू या बुद्दू कहा जाता है। अब फैलाह जो होता है मिस्र के किसान को कहा जाता है, मिस्र में जो किसानी किसान का काम करते हैं उसको फैलाह कहा जाता है, इसको आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं तो विश्व क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश इसलिए कहा जाता है कि देखिए जो ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे किनारे किनारे एरिया में क्या होता है, रहने वाला लायक जगह है, तटीय इलाका है, मनुष्य रहता है, लेकिन बीच में क्या है, खाली मरुस्थल है, सिर्फ क्या है, मरुस्थल है, डिजर्ट है, इसलिए इसको बोला जाता है प्यासी भूमि का देश। यहाँ पर बरसात वगैरह बहुत ही कम होता है। इसको कंगारू का देश भी बोलते हैं। कंगारू का देश इसे बोलते हैं क्योंकि यहाँ कंगारू बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इस कारण से कंगारू का देश बोलते हैं। क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया टीम हमेशा खेलने आते हैं, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ के प्रमुख मरुस्थल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए प्रमुख मरुस्थल क्या है, एक यहाँ पर देखिए आप ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट दिखाई दे रहा है जो कि बिहार से सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ग्रेट गिब्सन मरुस्थल है। ठीक ना, यहाँ पर तीन चार देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए एक क्या है आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, एक क्या है यहाँ पर गिब्सन मरुस्थल हो गया, एक क्या है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया किस हिस्सा में पाया जाता है, तो अगर इस तरह से हम देखेंगे इस तरह से, तो जैसा कि पता है कि ऊपर में नॉर्थ होता है मतलब उत्तर हो गया, नीचे में साउथ होता है, इधर ईस्ट हो गया और इधर क्या हो गया बेस्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए इस हिस्सा में आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इधर दिखाई दे रहा है, मतलब क्या उत्तर पूर्व में है क्या ग्रेट बैरियर रीफ, तो इसको आप याद रख सकते हैं। बेसिकली क्या एक प्रवाल भीति है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या ग्रेट डिवाइजिंग रेंज भी कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, जिसको अभी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मरे और डार्लिंग नदी। देखिए यहाँ पर मरे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डार्लिंग दिखाई दे रहा है। मरे और डार्लिंग क्या यहाँ पर नदियाँ हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन पूछता है कि मरे और डार्लिंग नदियाँ कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे इस बार यूपी पीसीएस का प्री एग्जामिनेशन होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डार्लिंग रेंज कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया किस हिस्सा में है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या डार्लिंग नदी ऐसी को बना के चला है, लेकिन देखिए डार्लिंग रेंज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के अगर इस इधर जाइएगा इस हिस्सा में, तो मतलब क्या हो गया दक्षिण और पश्चिम हिस्सा में आपको डार्लिंग रेंज पाया जाता है, मतलब पर्वत श्रृंखला एक तरह का है। ठीक है, तो इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक ना, अच्छा पीडीएफ अगर आप इसका चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो है द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं ग्रेट बैरियर कहाँ उत्तर पूर्वी तट पर है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है मेरिनो ऊन के लिए क्या है विश्व प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ मेरिनो नामक भेड़ भी पाया जाता है और उससे क्या होता है ऊन जो प्राप्त होता है उसको मेरिनो ऊन बोला जाता है, तो उसके लिए प्रसिद्ध है और विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन भी यही करता है और निर्यात भी ऑस्ट्रेलिया ही करता है। ठीक है, चलिए और विश्व में यूरेनियम का तीसरा बड़ा उत्पादक देश भी है, तो पहला कौन होगा दूसरा कौन होगा आप बता सकते हैं। ठीक ना, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको ऑप्शन का आंसर बताना है, कजाकिस्तान, कनाडा, किर्गिस्तान, टर्की, इसमें आपको बताना है कि कौन पहला स्थान पाएगा, कौन दूसरा, कौन तीसरा स्थान पाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा क्या है कि कालगुरली और कुलगाड़ी जो होता है सोना के लिए क्या है यह विश्व प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया, तो इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। ऐसा देखिए तो बताने के लिए तो मैं बहुत सारा आप चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन लेसन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण से हिसाब से ही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही आप लोग बताइएगा इसमें और कम डिस्कस करने की जरूरत है या पूरा डिस्कस और किया जाए। ठीक ना, क्योंकि आप लोग फीडबैक दीजिएगा, उसी के अनुसार लेसन को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था मार्च 1946 में। कब आया था? मार्च 1946 में। अब देखिए कैबिनेट मिशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये कैबिनेट मिशन सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो है किसके सिफारिश पे किया गया था, या भारतीय संविधान का निर्माण किसके सिफारिश पे किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे ही किया गया था। अब देखिए कैबिनेट मिशन इसको क्यों बोलते हैं, तो देखिए जैसे भारत में क्या है कि मोदी जी का एक मंत्रिमंडल है, मतलब भारत सरकार का एक मंत्रिमंडल है, उस तरह से क्या था
कि ब्रिटिश सरकार का भी एक मंत्रिमंडल होता था उस समय, ठीक ना। तो ब्रिटिश सरकार के मंत्रिमंडल में से 3 सदस्यों को बाहर निकाला गया, मतलब इनको बुलाया कि आपको भारत जाना है, ठीक ना। इन्हीं को मतलब मंत्रिमंडल के सदस्य, इसी कारण से इसको क्या बोला है, कैबिनेट। मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कैबिनेट बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य थे और तीनों क्या थे, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। पहला सदस्य का नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा कैबी अलेक्जेंडर और तीसरा का नाम था पैथिक लॉरेंस, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे या व्यापार मंत्री इनको बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सर स्टेफोर्ड क्रिस्प क्या थे, तो ये बता सकते हैं। ए बी अलेक्जेंडर जो थे नौसेना मंत्री थे। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए, आप सुनते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है ना, वो क्या था, मतलब भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो क्या है, सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अलेक्जेंडर क्या होगा, सेना मंत्री हो जाएगा, मतलब नौसेना मंत्री हो जाएगा। पैथिक लॉरेंस क्या थे, भारत सचिव थे। आप ये क्वेश्चन यहाँ पर बता सकते हैं कि भारत सचिव नामक पद का सृजन कब किया गया था और कब समाप्त किया गया था, ठीक है। अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं जानते हैं तो कंप्लीट पॉलिटी कोर्स का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको एक बनाया गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक के सारे एक्ट को, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और चीज़ जान लीजिए कि 1942 में जो कैबिनेट मिशन आया था, क्रिप्स मिशन जो आया था, वो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था, क्रिप्स मिशन आया था, जो कि सफल नहीं रहा था। अब आगे बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन जो है आया था तो कब क्या इसका घटना हुआ था। देखिए सबसे पहले कि मार्च 1946 में भारत आया, ठीक है। और भारत आने के बाद क्या बोला कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। जब संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जो संविधान बनाएगा, तो इसके सदस्यों का भी चुनाव होगा। तो सदस्यों को चुनाव के लिए चुनाव कब करवाया गया, जुलाई 1946 में करवाया गया। और संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो नवंबर 1946 में किया गया, ठीक है। चलिए और संविधान सभा का बैठक कब किया गया, तो दिसंबर 1946 में। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन चूंकि लेसन लंबा हो जाए, इस कारण से मैं डिस्कस नहीं करूँगा, और बाद में रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह ऐसे याद कर, देखिए हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कब हुआ था। तो जैसा कि पता है कि 1966-67 में हुआ था, 66-67 के दौरान जो है हरित क्रांति भारत में शुरू हुआ था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, 1951 से लेकर के 56 तक, मतलब 51 से 56। दूसरा क्या, 56 से 61, दूसरा 56 से 61 हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, 61 से 66 हो गया, ठीक है। अब बाद 61-66 हो गया, बाद में क्या था कि 66-69 तीन साल क्या था, योजना अवकाश था। 66-69 तीन साल क्या था, योजना अवकाश था, ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना क्या होगा, 69 से 74 हो जाएगा। तो अब ऑप्शन के अनुसार क्या बना सकते हैं, 61-66 तृतीय पंचवर्षीय योजना था, शुरू कब हुआ था, 66-67 में। मतलब क्या कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था, ठीक। चलिए अब हरित क्रांति से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हरित क्रांति से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्या कि हरित क्रांति का संबंध किससे, हरित क्रांति का संबंध किससे, तो खदान उत्पादन। खदान मतलब क्या होता है, देखिए आपने माल्थस का सिद्धांत सुना होगा। माल्थस सिद्धांत क्या था, उन्होंने उनका कहना था कि देखिए जमीन से जो अन्न उपज रहा है, जो खाने पीने के लिए जो अन्न उपज रहा है, उस तरह से उपज रहा है, ठीक ना। जबकि जनसंख्या क्या है, इस तरह से बढ़ रहा है, एकदम इस तरह से बिल्कुल बढ़ रहा है, ठीक ना। तो आने वाला समय में क्या हो जाएगा कि जनसंख्या जिस अनुसार मतलब उत्पादन जिस अनुसार हो रहा है, उसके अनुसार जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो लोग क्या हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन यह बाद में थ्योरी गलत हो गई, जैसे आप देख रहे हैं कि क्या हमारे यहाँ खदान बहुत ज़्यादा मतलब भरपूर रहता है, देख रहे हैं कि पीएफसी के गोदाम में तो खाना सड़ जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा स्थिति नहीं था। भारत जो है जब आज़ाद हुआ था तो बहुत ही गरीबी था और खाने के लिए यहाँ अन्न नहीं था, पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होता था। तो हम लोग क्या करते थे, अलग अलग देश से मंगाते थे, खास करके अमेरिका के ऊपर हम लोग क्या थे, डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, 1966-67 के दौरान हमारे यहाँ क्या हुआ, हरित क्रांति का शुरुआत हुआ। लेकिन प्रेरणा कहाँ से लिया गया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, क्या था, नॉर्मन बोरलॉग था, जो कि अमेरिका के ही थे। तो इनको बुलाया था विश्व हरित क्रांति का जनक। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ के थे, आपका यूएसए के थे। लेकिन भारत में कौन जनक थे, तो भारत में बुलाया था एम ए स्वामीनाथन को, हरित क्रांति का जनक बोलते हैं, ठीक है। चलिए और एक और देखिए, नॉर्मन बोरलॉग से क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व खाद्य पुरस्कार किनको संस्थापक बोला जाता है, विश्व खाद्य पुरस्कार के संस्थापक नॉर्मन बोरलॉग। अब प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था एम ए स्वामीनाथन को, तो इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही देखिए नॉर्मन बोरलॉग को इसके लिए क्या है कि नोबेल प्राइज दिया गया था शांति का, तो भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। भारत का भी इनका पुरस्कार मिला है, भारत का द्वितीय सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, वो भी इनको नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया है, तो आप याद रख सकते हैं।
अब शुरुआत कब हुआ तो बता ही दिया, 66-67 में हरित क्रांति में एक्चुअली किया क्या गया था, तो देखिए उच्च किस्म का बीज का प्रयोग किया गया था, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया था और कीटनाशक का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि अचानक से अन्न का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ पहले भारत अन्न को मंगाता था दूसरे देश से, मतलब आयात करवाता था, उसके जगह पर क्या बन गया, निर्यातक बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो है हरित क्रांति से कौन सा एरिया जो है लाभान्वित हुआ था। देखिए समझिए क्या हुआ कि भारत को जो पश्चिमी हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा खास कर दिखाई दे, पंजाब वाला, हरियाणा वाला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका है, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या था, यहाँ के जो किसान थे आर्थिक रूप से कुछ संपन्न थे। ठीक है ना, तो इनके पास क्या था, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा था, अगर नया नया बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, कीटनाशक खरीदना है, तो आसानी से इन्वेस्ट कर सकते थे। जबकि दूसरे हिस्सा के किसान उतने मतलब कि संपन्न नहीं थे, इस कारण से वहाँ पर हरित क्रांति ज़्यादा फला फूला नहीं। तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ पश्चिमी बोल सकते, उत्तर पश्चिमी भारत में बोल सकते हैं, खासकर पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है किस फसल पर पड़ा था, तो गेहूँ पर सबसे ज़्यादा पड़ा, उसके बाद चावल पर पड़ा, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मंदन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिट्रार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है। देखिए जो ऋणात्मक त्वरण होता है ना, उसी को बोलते हैं मंदन, उसी को क्या बोलते हैं, मंदन। एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जो निगेटिव विश्लेषण होता है उसी को बोलते हैं मंदन या रिट्रार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखिए त्वरण की बात करें, त्वरण का डेफिनेशन क्या होता है विश्लेषण का, तो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब क्या, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर जो होता है उसी को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब ए बराबर क्या हो सकता है, वी बाई टी, वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, अब इसे यूनिट पूछ सकता है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, क्या होता है मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड है, तो मतलब क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा इसके आधार। और त्वरण क्या होता है, एक सदिश राशि, क्या होता है सदिश राशि। देखिए सदिश और अदिश दो तरह के राशि होता है, जिसमें डायरेक्शन भी है और साथ में मैग्नीट्यूड भी है, वो क्या होता है सदिश राशि होता है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है अदिश राशि। इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप देखते होंगे कि किसी डॉक्टर का मतलब सड़क किनारा देखते होंगे डॉक्टर निर्मला चौधरी ऐसे करके दिया रहता है, ऐसे करके दिया रहता है, मतलब पहले आपको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर खाली रहेगा, ये क्या है आपका बताएगा कि मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये बता दिया ऐसे करके क्या बता दिया डायरेक्शन, मतलब ये क्या है सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि जो वृत्तीय गति होता है त्वरित गति होता है कि नहीं। इसे मान के क्या है कि यहाँ पर क्या बोला कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछता है कि मान लेते हैं कि एक सर्किल है, इस पर क्या है कि 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या है कि एक गाड़ी क्या है चल रहा है सर्किल पर, क्या चल रहा है, चल रहा है। जैसे मोटरसाइकिल वाला को चलते हैं ना, मौत के कुआं में चलाता है एक स्पीड से, तो मान लीजिए हम बोलते हैं कि एक निश्चित निश्चित वेग के साथ क्या कर रहा है चला रहा है। ठीक ना, 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से साथ क्या कर रहा है चला रहा है, तो यह त्वरित गति हुआ कि नहीं। तो देखिए आपको लग सकता है कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा त्वरित गति नहीं होगा। लेकिन समझने का प्रयास करते हैं, देखिए स्पीड तो इसका फिक्स हो गया, लेकिन देखिए हमेशा यहाँ रहेगा तो डायरेक्शन ऐसे रहेगा, 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 मतलब प्रत्येक बिंदु पर डायरेक्शन क्या हो जा रहा है चेंज कर जा रहा है। इस कारण से क्या होता है जो वृत्तीय गति होता है सर्कुलर मोशन क्या होता है वो क्या होता है त्वरित गति होता है, एक्सेलरेशन उसमें होता है। तो आप याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वेलोसिटी अलग होता है स्पीड अलग होता है, मतलब वेग और गति दोनों क्या होता है अलग होता है। खाली 3 मीटर पर सेकंड अगर बोलेंगे तो ये सिर्फ गति बता रहा है, लेकिन 3 मीटर पर सेकंड पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बोल दे डायरेक्शन बता दे तो क्या होता है वेग होता है। तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका का श्वसन स्थल कहलाता है, श्वसन स्थल कौन कहलाता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से भी पूछा जाता है, लाइसोसोम राइबोसोम ग्लाजी का सबसे पूछा जाता है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है इसका खोजकर्ता कौन था, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कौन खोजा था। तो अल्टमैन नामक साइंटिस्ट ने खोज किया था, इसका नामकरण बिंडा नामक साइंटिस्ट ने किया था। हालांकि ये याद रखिए मत, कोई जरूरी वाला बात नहीं है, लेकिन कम से कम खोजकर्ता याद रखिएगा। अब देखिए जितना भी कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें कुछ ऊर्जा होता है, तो जितना भी ऊर्जा कार्बनिक पदार्थ होता है उसका ऑक्सीकरण कहाँ होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना, और इसी ऑक्सीकरण के पश्चात क्या होता है कि एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन राइबोसोम से आएगा
कि राइबोसोम क्या कहता है, प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहता है, राइबोसोम। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटीन का उत्पादन होता है या प्रोटीन का यहाँ पर संश्लेषण या निर्माण होता है, इसी कारण से राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जाता है कि आत्महत्या के थैली किसे कहता है, लाइसोसोम को बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि बाहरी पदार्थ का भक्षण करता है या पाचन करता है, ठीक ना, और इसे क्या बोलते हैं, आत्महत्या के थैली बोलते हैं या आत्मघाती थैली बोलते हैं, तो इसको याद रख सकते हैं। गालजी का ऐसा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका के अणुओं का इसे यातायात प्रबंधक बोला जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन कम से कम आपको पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है सच्चर समिति, ये बहुत चर्चा में हमेशा रहता है, सच्चर समिति का संबंध किससे है, केंद्र राज्य संबंध, कर सुधार, गरीबी का निर्धारण या डी मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि देखिए मुस्लिम समाज क्या है, मतलब देखा जाए तो प्रत्येक दृष्टि से पीछा हुआ है, सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, शैक्षणिक दृष्टि से भी देखिएगा। अब छोटा छोटा बच्चा को मुस्लिम में देखिए क्या किया जाता है, मैक्सिमम को देखा जाता है कि उनको गार्जियन जो है पढ़ाता लिखाता नहीं है, मतलब छोटा बहुत जो कपड़ा सिलने वाला काम होता है या मीट वगैरह का दुकान हो तो वहाँ पर लगा दिया जाता है। बेसिकली क्या है, उनके पास उतना आर्थिक संसाधन नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ा पाए, ठीक ना। तो इसी के लिए क्या है, एक कमेटी बनाई जिसका नाम था सच्चर समिति। तो याद रखिएगा सच्चर समिति का संबंध इसी से है, और इसने ये भी सच्चर समिति बाद में बताया कि बिल्कुल मुस्लिम जो है प्रत्येक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, आज इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है, ठीक है। शिक्षा में शिक्षा देने की आवश्यकता है, नौकरी में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो नौकरी देने की आवश्यकता है, ऐसा बोला था, ठीक है। अब देखिए ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है केंद्र राज्य संबंध से, अभी देखिए बिजली चला गया इस कारण से जो है कैमरा को मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए आगे आते हैं। देखिए सरकारिया समिति का संबंध किससे, केंद्र राज्य संबंध। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सरकारिया समिति का संबंध किससे, केंद्र राज्य। जैसे आप देखते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच हमेशा टसल चलते रहता है, तो किस तरह का रिलेशन होना चाहिए ये बताया था। जैसे अभी क्या देखते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार और देखते हैं कि केंद्र सरकार में क्या होता है, हमेशा टसल चलते रहता है, ठीक ना। तो इसी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है, ये आपको केंद्र राज्य संबंध के बारे में सरकारिया समिति बनाया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकारिया समिति का गठन कब किया गया था, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखिए जब भी लेसन देखिए तो कॉपी कलम लेकर कहीं बैठिए, इसको हमको पहले ही बोल देना चाहिए था। और जहाँ भी कोई नया क्वेश्चन लगे आपको उसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट करना है। स्पून फीडिंग वाला काम कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक ना। चलिए अगला है राज्य चलाए समिति का संबंध किससे है, कर सुधार से है। और गरीबी निर्धारण का संबंध किससे है, तो सुरेश तेंदुलकर समिति। देखिए बेसिकली क्या हुआ कि आपको पता है कि भारत में क्या है, बहुत सारे लोग गरीब हैं, ठीक ना, लेकिन गरीबी का जो मापन का जो तरीका है ना अलग अलग है, कोई गरीब को अलग तरीके से परिभाषित करता है, कोई गरीब को अलग तरीके से परिभाषित करता है, ठीक ना। तो यह मापन का जो तरीका है क्या अलग अलग है, तो इसीलिए कि इसी के लिए क्या किया गया, सुरेश तेंदुलकर के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, उनको बोला गया कि आप निर्धारण कीजिए कि एक्चुअली भारत में गरीबी है कितना, गरीब लोग हैं कितना। देखिए आप जब तक आपको डाटा पता नहीं होगा ना तब तक जो है कोई भी पॉलिसी बनाई गई तो सही तरीके से उसको लागू नहीं किया जा सकता। तो पॉलिसी बनाने के लिए डाटा हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना, डेटा खास करके जो भी चीज़ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, ठीक है। लाइन आ गया तो कैमरा को ऑन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है ए ओ ह्यूम को, ठीक है। और जितना भी ऑप्शन में दिया गया सारे से क्वेश्चन आता था, सारे को डील करने का प्रयास करते हैं। पहले ए ओ ह्यूम की बात करते हैं, ए ओ ह्यूम थे को, ठीक ना। तो बेसिकली क्या था कि आज के समय जो IAS होता है उस तरह से ब्रिटेन, मतलब जिस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश राज था, ठीक ना, 1885 के आसपास की बात है, उस समय क्या था कि ICS होता था, मतलब ICS का परीक्षा होता था, IAS का ही इक्विवेलेंट होता था, ठीक ना। मतलब वही ICS अब क्या किस में कन्वर्ट हो गया, IAS में कन्वर्ट हो गया। तो वह क्या था, वही एक अधिकारी थे, ठीक है। और इन्हीं के प्रयास से क्या हुआ था कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए तो ये हमको क्या बोला जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। इनके प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में किया गया था, तो आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। ये आप बता सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था तो कहाँ इसका अध्यक्षता किया गया था, मतलब किस शहर में इसका आयोजन किया गया था, आप बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए ऐसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए और इसके अध्यक्षता कौन किए थे, भूमेश चंद्र बनर्जी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भूमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, जिनको WC बनर्जी बोला जाता है। अब आ जाते हैं सूर्यंत बनर्जी से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनको बोला जाता है बिना ताज के बादशाह, बिना ताज के बादशाह। और क्या है कि अपने जो लेख लिखते थे तो खास करके जो है कि भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको और बढ़ाने वाला लेख लिखते थे, राष्ट्रवादी लेख लिखते थे, इसी कारण से इनको क्या किया गया कि जेल में डाल दिया गया था,
पकड़ करके। तो अपने लेह के लिए जेल जाने वाले क्या थे? प्रथम पत्रकार थे। भी क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाली पत्रिका का संबंध किस पत्रकार से है? तो बंगाली पत्रिका का संबंध किस है? सूर्यांत बनर्जी से। इसी बंगाली पत्रिका में ही ये लेख लिखे थे, इसी कारण इनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, चलिए। डब्ल्यू सी बनर्जी, जिनके बारे में अभी मैंने बताया, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भीमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो भीमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चाहे मैं बताया देता हूँ, दादा भाई नौरजी। ठीक है ना, तो फिर से बोलता हूँ, हिंदू अध्यक्ष भीमेश चंद्र बनर्जी, मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, और पारसी दादा भाई नौरजी। आपको ये बताना है कि कब कब यह अधिवेशन हुआ था, मतलब कि 86 में अधिवेशन होगा, 87 में, 88 में, ठीक ना, कहाँ कहाँ हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में चाहे तो आप बता सकते हैं। ठीक ना, या आप खुद अपना सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो कब मीटिंग हुआ था और कहाँ इसका अधिवेशन हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन आता है, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट अपने से करना पड़ेगा। ठीक ना, जब तक अपने से प्रयास नहीं कीजिएगा, स्पून फीडिंग से काम नहीं चलेगा। अब जॉर्ज यूले से क्वेश्चन आता है, जॉर्ज यूले या कहीं कहीं जॉर्ज यूल देता है, तो ये क्या था? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, और यह अधिवेशन जो था चौथा अधिवेशन था, और यह इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। तो ऐसे करके आप वो सब पढ़ लीजिएगा, जो भी मैंने आपको बताया है वो सबको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, या शॉर्ट में बोलते हैं यूनेप, यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? और ये बीपीएससी 65वीं में क्वेश्चन पूछा गया है प्री एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। कहाँ है? नैरोबी, जो केन्या में पड़ता है, वहीं पर इसका क्या है मुख्यालय है। ठीक है, चलिए। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनेप का जो है गठन कब हुआ था? तो देखिए, यूनेप का गठन जो किया गया था 1972 में 5 जून को किया गया था, 1972 में यूनेप का गठन किया गया था। और जैसा कि आपको पता है कि 5 जून को ही मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और प्रथम बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो 1974 में प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, न्यूयॉर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिसेफ का आपने नाम सुना होगा, यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। आप बता सकते हैं यूनिसेफ किसके लिए काम करता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, पेरिस की बात करते हैं, तो यहाँ जो यूनेस्को का आपने नाम सुना होगा, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। आप ये बता सकते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उम्मीद करता हूँ इस लेसन से आपको जरूर मदद मिला होगा। और देखिए, इसको अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो द सिलेक्शन गुरु आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब देखिए, चूंकि पहला लेसन था, तो आप लोग बताइएगा कि लेसन आपके लिए कितना मददगार साबित हो रहा है, ताकि मैं इस लेसन को कंटिन्यू कर सकूँ, सीरीज को कंटिन्यू कर सकूँ। बोलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।